हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी दसवीं जमात का पाठ बीबी भानी जी करन जा रहे हाँ। एक जीवनी है बेटा, बीबी भानी जी सिख धर्म के सब तो वध योगदान पाउण वाली महान औरतों विचों एक होए हन। तो उन्हां दे जीवन बारे असी अज उन्हां दी इह जीवनी पढ़ के जाणांगे। बीबी भानी जी दा जी दे अंदर अथाह सेवा, श्रद्धा, प्यार, विश्वास ते चरित्र दी साफ सुथरी झलक दृष्टिगोचर हुंदी है। भाव उन्हां दे अंदर इस तरह की तस्वीर दिखाई दिंदी है। वह निम्रता नाल भरपूर पुत्री, पति की आग्ञा का पालन करन वाली पत्नी दी पत्नी ते एक सासी माँ सन। इहदे तो की भाव है कि बीबी भानी जी साडे जिहड़े सिख धर्म के गुरु अमरदास जी होए हन उन्हां दी पुत्री, अते गुरु रामदास जी चौथे गुरु उन्हां दी पत्नी, अते पंजवें गुरु अर्जन देव जी उन्हां दे माता जी सन। इस तरह उस तो बाद छेवें गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे दादी जी सन। इस तो इलावा बाकी सारे गुरुआं नाल ओह किसे ना किसे तौर ते किसे ना किसे तरीके नाल रिश्ते दे विच जुड़े हुए सन। बीबी भानी जी दा रिश्ता वख वख गुरुआं नाल पुत्री, पत्नी ते माँ ते दादी वाला सी। उन्हां दी भगती ते सेवा विच उन्हां ने भगती ते सेवा विच पूरी तरह लीन गुरु महलां दी मिसाल कायम कीती। गुरु महलां गुरु महल की हुंदा बेटा? गुरु घर दीआं पुत्रियां जां पत्नियां नूं गुरु महलां दे नाम नाल जाणिया जांदा है। गुरु पत्नी नूं गुरु महलां कहा जांदा है। जीवन विच सेवा अते सेवा विच जीवन पाउण वाली बीबी भानी जी ने सिख धर्म विच जिवें अपना उच्चा स्थान बनाया है, वह एक अदुती मिसाल है। वह साडे लई चानण दा मुनारा हन। वह श्री गुरु अमरदास जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक किसी ना किसी रिश्ते विच जुड़े हुए हैं। जिवें कि मैं तुहानूं पहलां दस ही चुकी हाँ कि बीबी भानी जी सी जिहड़े वह गुरु अमरदास जी दे पुत्री सी। उस तो बाद उन्हां ने वर मंगिया सी कि गुरगद्दी अपने पिता जी तो, कि गुरगद्दी साडी पीढ़ी दे विच रहे तां अगे गुरगद्दी उन्हां दी पीढ़ी दे विच ही चलदी रही। तां वह अगे सारे गुरुआं नाल किसी दे दादी, किसी दे पड़दादी, किसी दे नकड़दादी, इस तरह नाल वह वख वख रिश्तियां दे विच दसवें गुरु तक जुड़े हुए हैं। जन्म ते बचपन, उन्हां दे जन्म ते बचपन बारे जानते हाँ। उन्हां दा जन्म श्री गुरु अमरदास जी दे घर माता मनसा देवी जी दी कुखों 1590 विच पिंड बासरके जिला अमृतसर विच होया। बासरके पिंड बेटा अमृतसर जिले दे विच है, उत्थे इन्हां दा जन्म होया। बचपन तो ही बीबी भानी जी अपने पिता जी की सेवा विच लगे रहिंदे सन। उन्हां दी गुरु भगती नूं वेख के उन्हां दा नाम भानी रख्या गया सी। भानी दा अर्थ है भाणे नूं मन्नण वाली। वह गुरु जी की हर गल नूं मिठा करके मानते सन, परमात्मा का भाणा मानते सन। उन्हां दी सेवा भगती नूं वेख के गुरु जी ने उन्हां दा नाम भानी रख्या सी। उन्हां दे जीवन के वख वख कारनामयां विचों एक सुंदर कारनामा साडे इस पाठ दे विच साडे नाल जिहड़ा सांझा कीता गया है कि एक बार उन्हां ने अपने जीवन विच कई सुंदर कारनामे कीते हन। एक बार उन्हां दे पिता जी इशनान दौरान चौंकी का पावा टुट गया। गुरु साहिब ने कोई औकड़ ना आवे इस कारण पावे की थां उन्हां अपना हाथ रख लिया अते पिता जी दे पुछण ते उन्हां ने कोई जवाब ना दिता अते बहुत ही शिद्दत नाल इसका सामना किया। ये इस तरह से बेटा कि एक बार गुरु अमरदास जी पीढ़ी ते बैठे इशनान कर रहे सी, तां गुरु जी अपनी भगती दे विच लीन सी, तां बीबी भानी जी ने देखिया कि उन्हां दी पीढ़ी का पावा टुटन वाला है। उन्होंने आख्या कि जेकर पिता जी की पीढ़ी का पावा टुट गया तो उन्होंने सट लग जाएगी, तो उन्होंने पीढ़ी के पावे की थान अपना हाथ रख लिया। तो जदों गुरु जी ने अखां खोलियां तो उन्होंने देखा कि बीबी भानी जी का हाथ से जोड़ा वह लहू लहान हो चुका सी। ते उन्हां दी इस मतलब सेवा भगती तो खुश होकर गुरु जी ने उन्हां नूं कहा सी कि पुत्री मंग लो जो वर मंगना है, मैं तुहाडी सेवा तो बहुत खुश हाँ। तो बीबी भानी जी ने उदों ही ये वर अपने पिता जी तो मंगया सी कि पिता जी जे तुसीं मैनूं कुछ देना ही चाहते हो तो मैनूं ये वर दिओ कि गुरगद्दी है जिहड़ी अगे तो साडी पीढ़ी दे विच रहे। मतलब गुरगद्दी पहला सी बेटा, गुरगद्दी का यह असूल सी कि जो भी उस गुरगद्दी दे काबल हुंदा सी, जिस विच उह सारे गुण हुंदे सन जो एक गुरु दे विच होने चाहिए हन, तां सेवादारां विचों उसनूं उह गद्दी मिल जांदी सी। तां पर बीबी भानी जी दे वर मंगण तो बाद गुरगद्दी जिहड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी अगे अपने खानदान दे विच ही मिलन लगी। अगे घरेलू जीवन नूं सुखामा बनाउणा, बीबी भानी जी दी जिंदगी दा काफ़ी हिस्सा पिता अते पुत्तर दी देखभाल विच ही गुजरिया। गुरु घर दे सारे कारजां बारे जानकारी पिता ते पति तो लई
पंजवें गुरु दीयां प्राप्तियां बीबी भानी जी मेहनत ते असीसां दा फल सी। उन्होंने अपने घरेलू जीवन नूं सुखाला बनाउण लई खास योगदान दिता। गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे पालन पोषण विच उन्हां दी खास भूमिका है। बीबी भानी दीयां बरकत वालियां लोरियां ने एक अजिहे योधे नूं जन्म दिता जिसने गुरु घर विच चलदी आ रही शांत लहर नूं झंझोड़ के पीरी नाल भी जोड़ दिता, मीरी नाल भी जोड़ दिता पीरी दी इस चलदी आ रही रीत नूं। तां इहदे विच की है कि छेवें गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मीरी ते पीरी दीयां दो तलवारां धारण कीतियां सी। उन्हां ने कहा सी कि सानूं रूहानी ताकत दे नाल नाल दुनिया ते भी ताकत दे नाल रहना चाहीदा है। अपनी रक्षा दे लई सानूं हथियार ते शस्त्र धारण करने चाहीदे हन। तां इह सारी सिक्ख्या उन्हां नूं बचपन तो ही उन्हां दे दादी जी कोलों मिली सी। तां उन्हां दे पालन पोषण विच बीबी भानी जी दा खास अहम रोल जिहड़ा उन्हां ने अदा कीता सी। ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਵਰ ਦੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹਾ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਔਲਾਦ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਦੇਵ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣੇ। ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਤਪ, ਤਿਆਗ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਥਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ,
पर भगती भाव नाल जो स्थान बीबी भानी जी नूं प्राप्त है वह किसी होर नूं नहीं। साढ़े सिख धर्म दे विच बहुत सारिया महान औरतों का योगदान है जिन्हां विचों असी बीबी भानी जी दे नूं सब तो उत्तम स्थान बख्शते हैं। इन्हों का सब तो वध योगदान रहा है। इस तो इलावा माता गुजरी जी ने भी बहुत योगदान दिता। इस तो बाद होर गल करिए माई भागो जी का भी बहुत योगदान रहा, माता सुंदरी जी का योगदान रहा, माता जीतो जी का योगदान रहा। इस तो बाद साढ़े खालसे की माता साहेब कौर जी उन्हों का भी योगदान रहा, पर बीबी भानी जी का नाम सब तो सन्मान नाल ते सब तो उच्चा स्थान इन्हों प्राप्त है। वो स्थान किसी नूं भी प्राप्त नहीं जो बीबी भानी जी नूं प्राप्त है, क्योंकि जिवें मैं तुहानूं बच्चों पहलां दस्सिया ही है कि बीबी भानी जी जिहड़े सारे गुरुआं नाल तीजे गुरु तो लैके दसवें गुरु साहिब तक ये किसी ना किसी रिश्ते नाल जुड़े रहे हैं। तीजे गुरु इन्हां दे पिता जी सी, चौथे गुरु इन्हां दे पति सी, पंजवें गुरु इन्हां दे पुत्र सी, छेवें गुरु इन्हां दे पोते सी, अगे इन्हां दे पड़ोते पड़पोते, इस तरह नाल ये किसी ना किसी रिश्ते विच गुरु साहिबां नाल जुड़े रहे हैं। उस तो बाद गुणा की खाण बीबी भानी जी, गुणा की खाण उन्हां दे गुरु भाव ते सेवा भाव रखण वाले सन। वो कष्ट सहण विच साहसी, मेहनती ते दूर अंदेशी सन, मतलब दूर दी सोचण वाले सन। गुरु घर की सेवा, लंगर की सेवा विच माहिर बीबी भानी ने एक गल दी सोझी भी दित्ती कि सबर संतोख नाल दुखां नूं सहना चाहीदा है, तां ही गुरु साडी रक्षा करदा है। इस तरह गुरु बीबी भानी जी ने जीवन भर गुरु घर की सेवा कीती अते इस सेवा दा उन्हां नूं फल भी प्राप्त होया। ज्योति जोत समाउण दा समां उन्हां दा बीबी भानी जी 1655 नूं गोइंदवाल साहिब विखे ज्योति जोत समा गए। इस तरह बेटा इस पाठ विचों जो असी जानकारी ली है, जो जानकारी सानू बीबी भानी जी बारे मिलती है, उस विचों उन्हां दा चरित्र सानू साफ ते सुंदर झलक उन्हां दी दिखाई दिंदी है कि उन्हां दे अंदर अथाह सेवा सी, शरदा सी, प्यार ते विश्वास दी ओह मूर्त सन। इस तों इलावा उन्हां नूं इह वी दस्सिया गया सानू कि ओह इक आग्ञाकारी पुत्री पत्नी ते इक दलेर माँ ते दादी भी सन। इस तो इलावा वह हमेशा गुरु घर की सेवा दे विच लीन रहिंदे सन अते सिख धर्म विच अपनी सेवा करके उन्हां नूं एक अहम स्थान प्राप्त है। उम्मीद है बेटा तुहानूं बीबी भानी जी बारे जानकारी जो मैं तुहाडे नाल सांझी कीती चंगी लगी होवेगी। इस तो बाद पाठ दे बहुत छोटे उत्तरां वाले ते छोटे उत्तरां वाले प्रश्न तुसीं अपनी नोटबुक दे विच करने हन, औखे शब्दां दे अर्थ हन वह तुसीं पढ़ लैने हन, ते इस पाठ विच जो तुहानूं सिक्ख्या दित्ती है उसनूं दुबारा फिर एक बारी दोहराना है। इस तों इलावा 10 गुरुआं दे नाम है जिहड़े तुसीं एक लड़ी दे विच याद करने हन। धन्नवाद।